सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली निकल आए फिर से अगेन से एक नए व्लॉग शूट करने के लिए। एंड अभी जैसे देख सकते हैं मॉर्निंग का वक्त है, समय हो रहे हैं 9:35 एंड जा रहा हूँ बस मैं ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। एंड एक बात भी थी आपसे शेयर करनी थी, जो कि मैं सोच रहा लोकेशन पर पहुँच के करूँ या अभी करूँ। तो सीट कुछ ये ऐसा है ना कि क्या ही कहें भाई, गाड़ी देख रहे हो भाई एकदम चमक रही है आज, तो शाइनी शाइनी कर रही है गाड़ी। वैसे तो ऑलवेज ही करती है, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई मेरी गाड़ी ऑलवेज मेंटेन्ड रहती है। और अभी मतलब नेक्स्ट मंथ अपनी गाड़ी को पूरे 4 साल हो गए, क्योंकि मैंने 2018 में ली थी एंड 29 जुलाई 2018 को ली थी। एंड आज तो वैसे अगस्त हो गया है, तो 29 जुलाई 2022 में इसके 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब एकदम कहते नहीं है परफेक्ट कंडीशन बाइक मेंटेन करके रखी है। ज़्यादा चली भी नहीं जस्ट बिकॉज मैं बाहर चला गया था एंड बीच में कोविड की वजह से भी गाड़ी नहीं चल पाई, तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से गाड़ी कम चली है। तो गाड़ी इतनी एकदम मस्त है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं पर लोकेशन पे चलता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। यहाँ की रोड बड़ी है, सही लगती है। अपनी गाड़ी की प्रोफाइल भी देख सकते हो, काफ़ी सही लगती है। तो रोड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, थोड़ी गाड़ी भगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट का नाटक हो रखा है अभी तो। भाई हवा बहुत ज़्यादा तेज इधर से नहीं चल रही है, अगर इधर साइड घसी को गाड़ी भगाना होगा ना तो भाग ही नहीं पाएगी। A few moments later. So guys, पहुंच गए हम लोग, ये रहा ऊपर पुल देख सकते हैं फ्लाईओवर एंड यहाँ खड़ी है अपनी बाइक। तो एक्चुअली जो मेरे को बात करनी थी, मेरी बात ये थी कि सामने देख सकते हैं खड़ी है अपनी बाइक, यामा FZ वर्जन 2 2018 का मॉडल है। तो फाइनली गाइस बताते, बड़ा बुरा सा भी लग रहा है कह सकते हैं एक तरह से। और तो बहुत ये है कि इस गाड़ी को मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। कह सकते हैं कि ये भी कह सकता हूँ कि कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा, जैसा कि आप सबने सुना होगा। कौन सी मूवी, आई थिंक किसी मूवी में सुना है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो वैसे ही सेम इस गाड़ी को जाना पड़ेगा। तो मे बी कुछ न्यू आ सकता है या समथिंग कुछ और भी हो सकता है। तो गाड़ी को बस मैं सेल कर रहा हूँ एंड बुरा तो बड़ा लग रहा है कि फ़र्स्ट बाइक कहते हैं ना, जैसे कि ये एक फ़र्स्ट बाइक, तो वैसा सीन है। तो ये हमारी फ़र्स्ट बाइक है, बट सम रीज़न्स की वजह से मुझे इसको सेल करना पड़ रहा है। तो मैं सोचा आपसे भी डिस्कस करता चलूँ, बताता चलूँ कि ये गाड़ी आखिरकार फाइनली सोल्ड हो रही है। गाड़ी मेरी चली है टोटल देख सकते हैं 14,000 समथिंग 365 गाड़ी चल चुकी है अभी। वैसे देखा जाए 4 साल के हिसाब से काफ़ी कम चली है, मॉडिफिकेशन भी है, सब कुछ है। तो फाइनली अपनी गाड़ी सेल हो रही है, यही बात मुझे बतानी थी। अपनी बाइक जो कि सेल होने वाली है, देख सकते गाड़ी मतलब एकदम टॉप नॉच कंडीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, दिखने में तो एक नंबर लगती है पूरी जहर गाड़ी अपनी। ऑल ब्लैक कह सकते हैं, एकदम सेक्सी ब्लैक लवर के लिए तो भाई बेस्ट गाड़ी है कह सकते हैं आप। और एक चीज़ देख सकते हैं, साथ में हेलमेट रखे, बट ये साथ में ये नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको अलग से खरीदना ही पड़ेगा अपने खुद के, ये मैं सेल नहीं कर सकता। बाकी जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी मस्त है, इसमें कुछ कुछ जैसे मैंने चीज़ें करवा रखी है, स्टिकरिंग कराई है, आपको मॉडिफिकेशन दिखा सकती है, हाइब्रिड का भी है एंड यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल हो गया एंड टैंक पे मैंने कराया है कार्बन फाइबर का रैप 5D। और इधर साइड एक साइड के ये फोक पे हो रखा है कार्बन फाइबर, इधर हो रखा है अपना रीइंफोर्स्ड पोस्ट माउंटेड स्टिकर एंड ये मैंने स्विच लगवा रखा है चारों इंडिकेटर के लिए एंड ये लगा
इसकी हाई बीम और लो बीम को ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि ई वी एस 4 का मॉडल है। ई वी एस 4 के मॉडल में ऐसा कुछ आता नहीं था स्विच, तो मैंने ये खुद से लगवाया बाहर से। बाकी गाड़ी देख सकते हैं चली कितनी है टोटल, ये गाड़ी चली है कितनी किलोमीटर चल चुकी है, 14,365 एंड इसकी सेलिंग हो रही है फाइनली। गाड़ी आप देख सकते हैं मस्त है काफ़ी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से। थोड़ा फैमिली वाले मतलब नाखुश भी एक तरह से गाड़ी मतलब सेल करने के लिए, कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं है सच, तो इस वजह से थोड़ा सा घर वाले मतलब जानते ही, घर वाले हमेशा बोलते ही हैं कि ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी थोड़ी सी हरकतें मेरी कर रहा हूँ। तो इसी के साथ बस ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मेरी गाड़ी के साथ कह सकते हैं द लास्ट राइड हो सकती है। तो यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं और लास्ट राइड कंप्लीट करते हैं अपनी, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।